नमस्कार, मैं हूं संजू। आप सभी को स्वागत करता हूं मिस्टर एस के बेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे मेरे चैनल पे मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया था ब्लूटूथ आरसी कार, वो कार मैं कैसे बनाया था ये भी आप सभी को सिखाऊंगा। इससे पहले मैं वो कार में एक आर्डिनो नाम का ये जो डिवाइस है इसको यूज किया गया था, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जब तक इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक वो गाड़ी आप नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आज हम ये आर्डिनो के ऊपर वीडियो बनाए हैं। मेरे हाथ में ये एक आर्डिनो यूनो R3 बोर्ड है। आज मैं ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में इसका कौन सा पिन कैसा काम करता है, कितना पिन है, कहाँ पर करंट इसको देना है, वो सबके बारे में मैं बेसिक बोला हूँ। आप जाके एक बार जरूर वो वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो ये पिन है, बड़ा बड़ा पिन है, इसके बारे में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पिन है हमारा, ये जो आर्डिनो को प्रोग्रामिंग के लिए ये पिन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, जैसे हम अगर मोबाइल से या लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करेंगे तब मोबाइल से हो या लैपटॉप से ये 5 वोल्ट करंट में ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग हो जाता है। इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 5 वोल्ट में ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर इसको 5 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा तो ये आराम से ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, इसका काम है प्रोग्रामिंग करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अब ये जो ब्लैक कलर का पिन देख रहे हैं, इसका काम क्या है, यहाँ से हम 12 वोल्ट DC इनपुट दे सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है तब हम यहाँ पे इन करेंगे तो ये पूरा टोटल आर्डिनो को पावर देगा और हम आर्डिनो का काम कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये दोनों का लॉजिक आपको बोल देता हूँ। जब भी आप कनेक्शन करिएगा, ये जो पिन है और ये जो पिन है, ये दोनों में से कोई एक निकालना है। जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग के टाइम में अगर यहाँ से 12 वोल्ट DC भी करंट ऑन है और यहाँ से भी प्रोग्रामिंग भी ऑन है, उस टाइम में आपका आर्डिनो खराब हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप जब भी प्रोग्रामिंग करने के टाइम 12 वोल्ट DC सप्लाई या आर्डिनो को कहीं से भी सप्लाई मिलता होगा वो सब सप्लाई निकाल के आप आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करिएगा। और हाँ, करने के टाइम यहाँ पे देखिए, इधर जो लिखा है देख सकते हैं, RX और TX लिखा है ना, 0 और 1 नंबर जो लिखा है, ये दोनों वायर को निकाल के ही करिएगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग नहीं लेगा, प्रॉब्लम आ सकता है प्रोग्रामिंग करने के टाइम। ठीक है, ध्यान रहे ये दोनों को अलग अलग जब प्रोग्रामिंग करिएगा तब ये जो 12 वोल्ट DC, नहीं तो इधर भी एक पिन है, बाद में बताता हूँ करंट इनपुट के लिए, ये दोनों को निकाल के इसको प्रोग्रामिंग करिएगा, नहीं तो आर्डिनो खराब हो सकता है आपका। ठीक है, अब हम आते हैं, इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 28 पिन का होता है। इसमें से 8 पिन जो होता है वो पावर का होता है और जो 20 पिन होता है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए भी होता है। ठीक है, हमारे कोडिंग के बेसिक में ये ऑपरेट होता है नॉर्मली, जैसे हम प्रोग्रामिंग इसको करेंगे वो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो पावर का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम आपको एक एक पिन का डिटेल्स आपको दे देते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना पावर सेक्शन, ये टोटल 8 पिन है। ठीक है, इसमें से ये जो पिन देख रहे हैं IORF लिखा है, इसका मतलब क्या, इनपुट आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज, मतलब यहाँ से इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी वोल्टेज हम दे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिस्टार्ट। जैसे आपको पता होगा आपका जो मोबाइल होता है अगर हैंग होता है तो आप क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं ना, ये सेम ऐसे ही इधर जो लिखा है रीसेट, इधर एक बॉटम में एक देख सकते हैं रेड कलर का जो है, ये भी सेम वही काम करता है रीसेट का। ये बॉटम से हम अगर प्रेस करेंगे तो अगर ये हमारा जो आर्डिनो हैंग होता है तब ये और एक बार स्टार्टिंग से काम करेगा। अगर हम बटन प्रेस नहीं करेंगे सिस्टम से करेंगे तो सिस्टम के लिए ये ऑप्शन है, इसलिए रीसेट इधर भी रखा है एक पिन। ठीक है, अब हम आते हैं, ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट लिखा है और एक 5 वोल्ट लिखा है। ये दो क्या है, ये दो करंट आउटपुट है, इनपुट नहीं है। ठीक है, हम अगर यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई देंगे ना इसको, तो यहाँ से हम 5 वोल्ट और 3 वोल्ट जैसा हमारे ज़रूरत के हिसाब से, ऐसे बहुत सारा सेंसर्स होता है जो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, जो 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ये दो पिन दिया गया है, हम यहाँ से हम करंट लेके वो सेंसर को ऑपरेटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद देख सकते हैं ग्राउंड GND लिखा है ना, इसका मतलब है ग्राउंड। ग्राउंड कितना ही है Arduino में? टोटल 3 ग्राउंड है, इधर एक ग्राउंड है, इधर 2 ग्राउंड है। ये सब आपस में कनेक्शन है। ये ग्राउंड कंपलसरी है क्योंकि कोई भी बोर्ड आप ऑन करेंगे ना, ग्राउंड देना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं VIN, जो बोल रहा था ना पहले, और कहीं से भी 5 वोल्ट सप्लाई हम दे सकते हैं। ये एक वही पिन है, VIN पिन, जहाँ से हम अगर बाहर कहीं से 5 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, इसका जो मेल पिन है हमको नहीं मिल पाता है। Arduino कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके लिए ये एक ऑप्शन में है VIN पिन। जैसे अगर हमको मोटर ड्राइवर से भी 5 वोल्ट का सप्लाई आता है, वहीं से भी हम अगर इसको 5 वोल्ट इधर प्लस और इधर GND में माइनस लगाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली Arduino को ऑन कर देगा। ये इसका एक अच्छा सिस्टम है, ठीक है। ये देख सकते हैं एनालॉग इन, इसका मतलब क्या है, एनालॉग इनपुट है। ये 0 से लेके 5 तक है, मतलब टोटल 6 पिन है, जिसमें से हम सेंसर से यूज करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया या टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं Arduino के तरफ से। अगर हमको ज़्यादा पिन चाहिए, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए में। ये जो एनालॉग इनपुट दिया है ना, हम इसको डिजिटल आउटपुट भी करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी तो बेसिक नॉलेज ले लीजिए, धीरे धीरे आप सब इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। अब ये जो देख सकते हैं ICSP पिन, इसका काम क्या है, इसका काम जो है ये है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। जैसे अगर हमारे पास और एक दो Arduino है, उसको एक ही साथ में हमको प्रोग्रामिंग करना है, उस टाइम में हम यहाँ से कनेक्शन लेके और वो Arduino को भी एक साथ में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। गाइज अब हम आते हैं डिजिटल पिन के तरफ, ठीक है। देख सकते हैं ना, इधर एक व्हाइट लाइन लिखा मारा गया है और उसके बाद लिखा गया है उसके ऊपर क्या है, डिजिटल ब्रैकेट PWM। उसके बाद देख सकते हैं ये जो करंट का सिंबल है, AC करंट का सिंबल आता है मल्टीमीटर में, ऐसे ही एक सिंबल देके ब्रैकेट क्लोज किया गया है। इसका मतलब क्या है पता है, PWM का मतलब क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसके बारे में देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये किस किस के पास है, 3 के पास है, 5 के पास है, 6 के पास है, 9 के पास है, 10 के पास है, 11 के पास है, ये सब पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन है। जो कि हमारा अगर LED हो या मोटर हो, मोटर को स्पीड स्लो करने के लिए या LED को ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए ये सब पिन का इस्तेमाल होता है। और जो RX TX पिन देख रहे हैं, ये जो दोनों पिन है ये क्या होता है, ये हमारा अगर ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाते हैं ना, उसी टाइम में ये पिन का काम आता है। जैसे TX मतलब ट्रांसमिट डाटा, RX मतलब रिसीव डाटा, ठीक है। ये दोनों का 0 और 1 का काम यही है। और ये सब पिन जितने भी हैं, ये सब 40 मिली एम्पियर मतलब 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई ये दे सकते हैं। ये गाइज आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी Arduino के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में Arduino को कैसे मोबाइल से प्रोग्रामिंग करेंगे वो भी बताएंगे। फिर मिलते हैं किसी नया टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।